जय बालाजी, जय सीताराम। परम पूजनीय श्री जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा श्री हनुमान चालीसा में सुधार किया है। पहले हनुमान चालीसा में कुछ अशुद्धियाँ छप गई थी, जिसको श्री गुरुदेव परम पूजनीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री के भी गुरु जगतगुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा सही किया गया। आइए देखते हैं रियल वीडियो। कल सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। तो मूल पाठ उसका शंकर स्वयं केसरी नंदन। जगत गुरु द्वारा बताया गया है कि हनुमान चालीसा में कुछ अशुद्धियां छप गई हैं। पहली अशुद्धि 6 नंबर की पंक्ति में शंकर सुवन केसरी नंदन, इस चौपाई को गलत बोला जा रहा है। शंकर सुवन की जगह शंकर स्वयं केसरी नंदन होगा। दूसरी अशुद्धि 27वीं चौपाई, सब पर राम तपस्वी राजा, तपस्वी राजा गलत बोला जा रहा है, सब पर राम राज सिर ताजा। और तीसरी अशुद्धि 32वीं चौपाई, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, जो कि गलत बोला जा रहा है। सही चौपाई, राम रसायन तुमरे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। अंतिम चौथी अशुद्धि 38वीं चौपाई में, जो शत बार पाठ कर कोई, जबकि सही चौपाई यह शत बार पाठ कर कोई। यह 4 अशुद्धियां हनुमान चालीसा में थी, जो जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा बताई गई हैं। सही हनुमान चालीसा जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पर आने वाली है। बहुत ही सुंदर एवं मधुर वाणी में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा, जिसे सुनकर आपको बहुत ही खुशी और आनंद की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा में कुछ अशुद्धियां छप गई थी, जिसको सुधार कर लिया गया है। अशुद्धियां सुधार की हुई हनुमान चालीसा जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पर आने वाली है, बहुत ही मधुर एवं मीठी वाणी में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन है जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज को गोस्वामी तुलसीदास जी का ही रूप माना जाता है। रामभद्राचार्य जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया है। प्रसिद्ध प्रवचन वक्ता जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्म मकर संक्रांति 14 जनवरी सन 1950 में सांडी खुर्द जौनपुर उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम राजदेव मिश्र एवं माताजी का नाम शची देवी है। जगत गुरु को 3 साल की उम्र में अपनी आंखों में कई परेशानी आ गई थी, जिसके कारण उनकी बुआ ने कई दवा डाल दी थी। शायद उसके कारण ही उनके आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली गई। जगत गुरु को 22 भाषाओं का ज्ञान है। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को लोग भगवान के रूप में भी देखते हैं और मानते हैं, क्योंकि उनकी आंखों से बिना देखे सभी वेद वेदों का ज्ञान है उनको। और जितने भी वेद पुराण, रामायण, महाभारत, रामकथा, श्रीमद् भागवत पुराण आदि, ये सभी उन सभी को याद किए हुए हैं। और जगत गुरु को ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। अगर आप भी सच्चे दिल से जगत गुरु को मानते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जगत गुरु रामभद्राचार्य भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। मुझे विश्वास है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। जय श्री राम, जय बालाजी, जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम की जय हो। जगत गुरु श्री भगवान श्री रामभद्राचार्य जी महाराज।